मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर संदेह जताया है। जयललिता की मौत पर सवाल उठाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जज जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि मुझे भी शक है, मौत का सच सामने आना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के लिए शव को बाहर निकालने में यह दिक्कत है। आपको बता दें कि अन्नाद्रमुक के एक कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जयललिता की बीमारी के दौरान कभी किसी को उनके पास जाने का मौका नहीं मिला, उनकी मृत्यु की वजहों की भी किसी को जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में अब जयललिता से संबंधित सारी बातें सार्वजनिक की जानी चाहिए। इससे पहले पार्टी से निष्कासित नेता शशिकला पुष्पा ने भी जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का दिसंबर के पहले हफ्ते में निधन हो गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, हालत नाजुक होने के चलते उन्हें सीसीयू में रखा गया था। जयललिता करीब 75 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। तो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत का सच क्या है, इस पर आज मद्रास हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।